जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ के लाइव स्टूडियो से मोहम्मद निकास गोंडला आप लोगों के साथ, और मेरे साथ हैं वकास खान, जो कि आज कंटिन्यूसली पिछले तकरीबन आधे घंटे से मुस्करा रहे हैं, और इनकी हंसी का राज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हम लाइव आए हैं कि वकास खान की हंसी का राज जो है वो क्या है, क्योंकि इनको अक्सर हमने रोते हुए और दुखी हालत में देखा है, लेकिन आज हम देखेंगे कि वकास खान क्यों हंस रही हैं, और हंस रहे हैं तो किसकी वजह से हंस रहे हैं, और क्यों हंस रहे हैं, किसके लिए हंस रहे हैं। जी वकास भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आज मोहम्मद नकाश गोंदल साहब कैसे हैं? क्या हाल है? कैसे मिजाज है आपके? अलहमदुल्ला जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? असल में पता है क्या, वो जो रेडियो की लाइफ है ना, वो टोटली चेंज है। वहाँ पे जाके बंदा थोड़ा सा बहुत पीछे चला जाता है, और वहाँ पे सैड भी होता है, वो रोने वाली फीलिंग्स भी होती हैं, और रात के वो दूसरा पैर होता है तो उसमें बंदा और डीप चला जाता है। लेकिन हाँ इधर मतलब टोटली चेंज है चीजें सारी, इसलिए मुस्कुराहट आ रही है। और वैसे भी आपको मैंने सामने देखा तो मुस्कुराहट वैसे ही आ जाती है चेहरे पे आपके अच्छा ऑटोमेटिकली। अच्छा 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 वो और तेरे आ सुना, जाने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक है, लोग समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बीमार का हाल अच्छा है? बिल्कुल ऐसी है। वैसे और सुना वैसे आज, वैसे मतलब जो आज रात में जो रेडियो के प्रोग्राम्स हुआ करते थे, स्पेशली जो पोइट्री के शोज हैं, तो लोगों का जो है वो स्पेशली, मतलब कि लोग ये समझते हैं कि जो, मतलब कि पोइट्री करने वाला शख्स होता है या जो वो प्रोग्राम कर रहा होता है, तो वो लाइटें ऑफ करके पता नहीं बड़े दुखी अंदाज में रो धो के पोइट्री पढ़ रहा होगा, पता नहीं कितना बेचारा दुखी होगा, हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। लोगों के माइंड में तो ऐसे ही होता है ना, जैसे अभी आपने मुझे कहा है कि मैंने आपको रोते हुए देखा है और ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर लोगों के माइंड में तो एक कंसेप्ट बन जाता है कि नहीं, यार ये बंदा तो शायरी कर रहा है। ये बात आप मान जाएं कि मैंने आपको रोते हुए देखा है, ना मैंने करेंगे आपको रोते ये रोते आप हुए मुझे ये आप लाइव एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। मतलब आप क्या, मतलब एक न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाह रहे हैं क्या? आरजे वकास खान को नहीं, मैंने रोते अल्लाह हुए ताला देखा। आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और खुश रहें, सलामत रहें। और इसके अलावा जितने भी आपकी आवाज़ के पेज पे जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं वो टाइम निकाल के स्पेशली हमारी जो वीडियोस अपलोड करते हैं, अवकाश करते हैं, मैं करता हूँ, ये दूसरी जो टीम के मेम्बर्स हैं वो करते हैं, आप लोग उन वीडियोस को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके अलावा जो है वो आप लोग लाइक करते हैं, तो आप लोगों की यही सपोर्ट हमें चाहिए। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो हमारा प्लान है वो ईद के बाद इंशाल्लाह आपके लिए रेगुलर हम लाइव वीडियोस भी लेकर आएंगे, लाइव इंटरव्यूज भी लेकर आएंगे, उसके अलावा जो हमारी रिपोर्टिंग की, मतलब कि जो जर्नलिस्टिक जो हमारे साथ अभी कुछ लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं, तो अगर आप भी मतलब कि इसमें पार्ट प्ले करना चाहें तो ये आपका भी चैनल है, हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी प्रमोट करेंगे, आप अपनी वीडियोस बनाकर हमें सेंड करें, हम ज़रूर आपको भी सपोर्ट करेंगे, हम हमें सेंड करें, अगर आपका कंटेंट अच्छा है और हम समझते हैं कि उसको पब्लिश करना चाहिए तो हम उसको ज़रूर करेंगे। बाकी वकास भाई, आपसे एक कॉमन सवाल है कि ईद के हवाले से क्या तैयारियां हैं आपकी? ईद के हवाले से बिल्कुल कोई तैयारियां नहीं है वैसे। इस बार बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की मैंने, कोई नया सूट नहीं लिया, मैंने कोई नए जूते नहीं लिए। तो मैं आप बाकी भी सब दोस्तों से यही कहूंगा कि इस दफ़ा ईद को आप बिल्कुल सादगी के साथ कीजिए, और जो ईद पे आपने एक्सपेंस करने हैं वो आप अपने कोई अपने आस पास कोई मुस्तहिक लोग हैं तो उनमें बांट दीजिए। इससे ये होगा कि उन लोगों के भी वो दिन, ये दिन जो है COVID-19 के हवाले से अच्छे गुजर जाएंगे। वैसे तो लॉकडाउन पाकिस्तान में ख़त्म हो गया, लेकिन वैसे माशी जो हालात इस बहुत ज्यादा दफा खराब की है। जो ईद है ना, जो इस दफा की ईद है, ये कुछ वैसे ही स्पेशल है, इसके पीछे बहुत सारे वजहात है, COVID-19 है, उसके अलावा जो कल जो है प्लेन क्रैश हुआ है जो कराची में, और मतलब के जो है लॉकडाउन चल रहा है, और लोगों के पास से जॉब्स चली गई हैं, और महंगाई में इजाफा हो रहा है, और इसके अलावा जो है वो आई थिंक सो विकास में बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट्स भी आए हैं जिनको प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए, और बिल्कुल 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 मिसम बिल्कुल। हमारे साथ है, मिसम कहते हैं लव यू टू जनाब, लव यू टू उसके मिसम अलावा जो भाई, है मलक मलक अरसलान अरसलान है, को भाई बहुत बिल्कुल शुक्रिया आपका भाई। कि आप भी हमारे साथ शामिल हुए, और उसके अलावा फिर मिसम है, और ठीक है जी, आप लोगों के कमेंट्स आ गए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बस आप लोगों ने क्या करना है, शेयर करना है इसको, ये नहीं करना कि आप लोग जो है वो देख के भाग जाए। वैसे जो दोस्त होते हैं ना वो हमेशा से ऐसे ही करते हैं
कि आते हैं, सलाम दुआ करते हैं, समझते हैं। वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि गंगलों तो मिट्टी लाना, ते अजकल दे यार भी सिर्फ गंगलों तो मिट्टी लांदे, आंदन कमेंट कर दें ते नस जांदे। अच्छा, ये जो मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो मीसम है ये आपके जानने वाले हैं, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे उन्होंने आपको ना फ्लाई किस दी है और साथ में इमोजीज भी जाहिर सेंड कर। सवाल है, अभी शुरू शुरू की वीडियोस हैं, अभी हमारे पेज पर जो है लोगों से इंटरेक्शन जैसे ही हमारा होगा तो उसके लिहाज से जो है वो लोग हमें हमारे साथ आएंगे, जुड़ेंगे, देखेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। तो जिन लोगों से हमारा पहले ही मतलब कि इंटरेक्शन है, जिन लोगों से पहले ही जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो लोग जो हैं वो मतलब है कि जब भी आएंगे देखेंगे तो वो इस तरह से ही बात करेंगे जैसे तीसरे बंदे को लगेंगे कि बेतकल्लुफी से जिसको कहते हैं ना कि वो बात करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया मीसम आपका भी, उसके अलावा मलक अरसलान है आपका भी, और इसके अलावा वकास से अगर आप भी आपकी आवाज़ के हवाले से कोई बात करना चाहें तो आप काइंडली जो है मतलब कि छोटा सा बिल्कुल एक बिल्कुल मैसेज बिल्कुल पैगाम करें उसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये असल में टेस्ट ट्रांसमिशन थी जो हम छोटी सी जो है चिट चैट आप लोगों के साथ करना चाह रहे थे और देखना चाह रहे थे कि जो हमारी जो ट्रांसमिशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसमें अगर हमें कोई टेक्निकल इश्यूज हैं तो उनको हम रिजॉल्व कर लें जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल। आज मोहम्मद काश बंदल साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, जितनी हमारी ऑडियंस है, जितने हमारे नाजरीन है, मैं आपको बताऊं कि आपकी आवाज़ का जो बुनियाद हमने जब ये स्टार्ट हुए, आपकी आवाज़ तो आरजे मोहम्मद काश बंदल से और हमारी पूरी जो टीम है, इन्होंने जब आपकी आवाज़ को स्टार्ट किया था ना, तो इसका मकसद था, एक सोच थी हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया तो मतलब एक प्लान था हमारा, एक ख्वाब था, तो उस ख्वाब को अब हम आगे ले के चल रहे हैं। तो हम चाह ये रहे थे कि हम लोग मुआशरे की अच्छाइयों को आगे लेके आए, तो उस हवाले से ये हमारा आपकी आवाज़ का जो चैनल है हम ये लेके आए थे, और हम टैलेंट को प्रमोट भी करते हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो नात खान हो, चाहे वो शायरी करता हो, चाहे वो शायर हो, किसी भी हवाले से कोई भी टैलेंट उसके ऊपर हो, वो अगर कोई जर्नलिस्ट है वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। इस हवाले से आप में कोई भी टैलेंट है तो आप ज़रूर हमारे साथ कॉन्टेक्ट किया कीजिएगा। और हमारे जो आरजे मोहम्मद काश गंदल साहब हैं, ये हमारी आपने बैक बोन है, तो तारीफों यकीन के करें, पुल नहीं बांध मैं दिए। तारीफ नहीं कर रहा, मतलब आपकी आवाज़ को रन करने में, आपकी आवाज़ को आगे ले के आने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह हमारे लाहौर से हैं मियाँ शफीक जी, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बहुत जी रेगुलर जी टाइम बिल्कुल, है। उनका तो बहुत ही ज्यादा हाथ है, सबसे जो और बड़ा बड़ा हाथ वो उन्हीं का है। इन दिनों में वो बिजी हो सकते हैं, लेकिन वो मतलब वो है, मतलब लेकिन टीम का एहसास तो है, ये तो आप मान बिल्कुल लीजिए। नहीं, मैं मानता उसके हूँ बाद बिल्कुल। हमारे रहीम यार खान से हैं, आरजे रिजवान अली हैं, और वो भी कमाल हैं, बस वो उनका तो प्रोफेशन है, एक साथ में वो उसके साथ भी हैं, इधर भी हैं, लेकिन वो चल रहे हैं, बड़े अच्छे जा रहे हैं। वो हमारे फिर चुलबुल पांडे हैं, जो हमारी टीम के चुलबुल पांडे हैं, मतलब के सबको हंसाने का जो काम है वो उन्हीं के जिम्मे आता है। हमारी टीम मेंबर्स में जी आरजे अयाज अली हैं, आरजे भट्टी जी हैं मुल्तान से, और रावलपिंडी से हमारे आरजे अयाज अली हैं, और हमारे जी तैयब भाई हैं, आप उनसे तो आपका इंटरव्यू हो चुका है, वो लास्ट वैसे लाइव आपने तैयब भाई का नाम लेते हुए साथ आरजे ने लगाया, इसकी कोई खास नहीं, वजह हुआ कि वो सबके नाम हमारे, के साथ आपको आपने पता है आरजे वो लगा दिया। टेक्निकल काम सारे हमारे वो देखते हैं, तैयब बशीर भाई, वैसे भी उनके टेक्निकली ज्यादा वो उनका हाथ है ना, वापडस भी उनका रिलेशन है, वो वैसे वो जो उनकी अपनी जॉब है वो वापडस है, लेकिन वो हमारे साथ टेक्निकली सारा काम हमारा वो देखते हैं। और उसके अलावा हमारे साथ हैं जी रिजवान भाई, उसके और अलावा कौन आपने हमारे, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं आरजे मुस्कान, उनका तो नाम ही नहीं लिया, मतलब कि ओ जिनके गीत अच्छा, आप हर वक्त गाते रहते हैं उनका नाम अभी आपकी जुबान से जानबूझ के नहीं आ रहा था या वैसे ही या मतलब कि अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आरजे मुस्कान जो है वो, मैं उनके साथ को होस्टिंग करता रहा हूँ और वो मेरे साथ को होस्टिंग करती रही है, हम लोगों ने इकट्ठे शोज किए हैं, तो आरजे मुस्कान भी कमाल है, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा आवाज है उनकी भी, वो भी आया करेंगी हमारे साथ लाइव इंशाल्लाह, उनके भी सेशन होंगे। अच्छा, आपकी आवाज़ अभी क्या करने जा रही है, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, अभी आपकी आवाज़ न्यू शोज बहुत सारे लेके आ रही है, जिसमें लाइव शोज भी हैं, जिसमें सियासत के हवाले से भी हैं, जिसमें जो है
कम्युनिटी के भी हवाले से हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी लेंगे, समाजी लोगों के भी और सियासी लोगों के भी, और सोशल जो भी एक्टिविटीज हैं उनको हम लोग सामने लेके आएंगे, और जो नए लोग हैं, जो नए चेहरे हैं, उनको हम सामने लेके आएंगे, प्रमोट करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा अच्छा मकसद है विकास नए चेहरे भाई, प्रमोट करना। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरन बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा, साथ दीजिएगा। जी अस्सलामुअलैकुम। अगर आप शायर हैं या अफसाना निगार, राब्ता कीजिए आवाज स्टूडियोज की आवाज टीम से, हम बनेंगे आपकी आवाज। जी वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद आप तमाम लोगों को। एक छोटी सी ब्रेक, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर जो हैं वो चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर हम आएँ, तो उसी वजह से हम अभी जो है वो लाइव भी आए हैं। जी विकास, कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। जी बिल्कुल, जैसे अभी हमने एक शॉर्ट ब्रेक ली थी और उसमें हमने अपना प्रोमो चलाया था, उसमें आपने देखा है कि हम लोग, अगर आप कोई शायर हैं या अफसाना नगार हैं तो रब्ता कीजिए आवाज़ स्टूडियोज की आवाज़ टीम से। तो इसी तरह आप अगर सिंगर हैं या आप नौजवान हैं या आपका किसी भी शोबे से आप हैं, आपका तल्लक है, तो आप रब्ता करना चाहते हैं तो बिल्कुल रब्ता कीजिए। हम आपको जितनी कोशिश होगी, जितनी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको प्रमोट करें, और आपकी आवाज़ का ये जो प्लेटफॉर्म है, आपकी आवाज़ का ये जो चैनल है, ये आप लोगों के लिए है। किसी टाइम भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा, मेंशन किया हुआ है आज मोहन काश गोंदल साहब ने, तो इसको भी आप देख लीजिए। आप अगर रब्ता करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा और विकास, विकास ये बताना जरूरी था कि मैंने मेंशन किया है, वैसे बिल्कुल ये तो वो, हमारी क्योंकि टेक्निकल टीम ने मेंशन किया है, बिल्कुल जिसमें ऐसी है, आपने लेकिन पहले नाम आज लिया है कि तैयब भाई हमारे टेक्निकल जो है वो सुपरवाइजर है। आज की जो डायरेक्शन है वो सारी क्योंकि आपके जिम्मे है, और आपने ये सारा कुछ अच्छा आज की जो अच्छा सिस्टम इसका है सेटअप इसका किया। इसका इसका मतलब है जो आज किया सिर्फ वो मेरे लिए, मतलब कि मेरे आज जिम्मा थी, या के इसके बाद या सर इससे पहले, ये इससे आज पहले आप या इसके मेरे, बाद आपको मुझसे कोई काम नहीं है, है ना? मुझे क्यों लग रहा है आज मुझे आपकी जो वो क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में मुझे सलीम साहब की रूह नजर आ रही है। मतलब आप सवाल निकाल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके नहीं, से लगता है फंसाने की सवाल, कोशिश नहीं कर रहा और एक्चुअली ना, मुझे आपकी आज आवाज थोड़ी का वो सी दीर्घा ज्यादा मतलब लग रहा है। मैं पता है क्या, अभी ना क्योंकि मैं जॉब करके आया हूँ, तो थोड़ी सी तबीयत, मतलब क्या जो थकान है वो महसूस हो रही होगी आपको चेहरे से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जो है इस जो लाइट चिट चैट है हमारी, जितना इसको हम हेल्दी तरीके से और जितना जो है अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें, और थोड़ा सा फन मस्ती भी कर सकें ताकि चिट चैट हो जाए, और जितने भी आने वाले लोग हैं जब वो इस लाइव सेशन के बाद भी देखें तो उनको ये लगे कि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है कि यहाँ पे बड़े, क्योंकि मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी टीम काफ़ी काफ़ी अरसे से काम कर रही है, तकरीबन हमें इकट्ठे हुए 3 साल हो गए ऑलमोस्ट विकास भाई, बिल्कुल तो ऐसी है। हमारे बारे में जो चीज़ें मतलब के लोगों को पता चली थी या अभी तक हैं, कि वो लोगों को यही लगता है कि ये बड़े कोई सीरियस बंदे, पता नहीं मतलब कि ये वो इस तरह से मतलब कि हमारी रेपो बन गई थी, कोई बंदा हमसे मजाक करते हुए भी डरता था कि शायद ये आगे से क्या कहे, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, और आपस में हम लोग इससे भी ज्यादा फन करते हैं, और स्पेशली जब हमारी अजय रिजवान और तैयब भाई होते हैं, और सबसे जिनका बड़ा हाथ है इस टीम मेरे में, आज मियां हंसी का शफीक यही साहब। राज है, मेरी हंसी का यही राज है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि लोगों ने हमें देखा हुआ है रोते हुए, तो आज देख रहे हैं हंसते हुए, टोटली चीजें चेंज हो जाएंगी। ऐसे ही है, और थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया, कमेंट्स किए जिन लोगों ने, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और काली जो है बस सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस के नीचे, और दूसरा अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप जो है खुले दिल से दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहें तो ये हमारे जो एडमन हैं उनका जो है वो व्हाट्सएप भी जो है वो दिया गया है, जिस पर आप खुले दिल से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी कि मतलब कि होता है ना कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर नंबर दे दिए जाते हैं और फिर उन पर
जो है वो लोगों को ट्रैप किया जाता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू है तो वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, पेज के इनबॉक्स में आ सकते हैं, उसके अलावा इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, जैसे मतलब कि किसी भी तरह के आइडियाज़ हो सकते हैं, लाइव इंटरव्यूज़ के आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई लाइव शोज़ के आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई आप कुछ और करना चाहें, कॉमेडी करना चाहें, फन करना चाहें, जिस तरह का भी आप करना चाहें तो आप रब्ता करें। और अगर हमें लगा कि वो चीज़ जो है वो यहाँ से ऑन एयर जानी चाहिए या इस प्लेटफॉर्म से जो है वो आपको जाना चाहिए, लाइव जाना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म से जो है वो आपको जो है वो परफॉर्म करना चाहिए, तो हम ज़रूर आपको भी मौका देंगे। और थैंक यू सो मच वकास भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया, और स्पेशली इस वक्त जबकि मेरी पहले बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि रोज़े की हालत है और काफ़ी सख्त टाइट हालत है आपकी, उसके बावजूद भी आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं तो घर में बैठा हुआ ना, तो मुझे तो इश्यू नहीं है, मैं तो बंद करूंगा यहाँ से हर चीज़ और उसी वक्त बेड पे लेट जाऊंगा, लेकिन आप स्टूडियो में बैठे हुए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया, देखने वाले तमाम लोगों का, सुनने वाले तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, हंसते नहीं मुस्कुराते नहीं, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। वो कहते हैं ना कि कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, मुलाकातें ज़रूरी रह जाती हैं। बहरहाल बहरहाल अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अवकास भाई जाते हुए अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा, एक तो हमारा YouTube चैनल है आपकी आवाज़ के नाम से, उसको जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, और Facebook पे तो आप हमें देख सकते हैं, और अगर जो नए हमारे साथ दोस्त जुड़े हैं वो हमारे इस पेज को, इस चैनल को जरूर लाइक करें और फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई दोस्त हमारे साथ रब्ता करना चाहता है तो हमारे एडमिन नंबर है 03479380840, तो इस पे भी आप दोस्त जरूर रब्ता कीजिए, नंबर मैं स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो इस पे भी आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं, और अगर किसी भी हवाले से आपके साथ कोई भी मसाइल चल रहे हैं तो आप समझते हैं कि वो चैनल पर आने चाहिए या सोशल मीडिया के ऊपर आने चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको ज़रूर आपकी जो तावन हो सकेगा हम लोग ज़रूर करेंगे। और बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत शुक्रिया आज मोहम्मद काश बंदल जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आपको बहुत ओके बकास भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह ताला आप सब लोगों का हमीय नासिर हो, अल्लाह निकबान। अस्सलामु अलैकुम, अगर आप शायर हैं या अफसाना निगार, राब्ता कीजिए आवाज स्टूडियोज की आवाज टीम से, हम बनेंगे आपकी आवाज़।